2022 विधानसभा चुनाव से पहले जहां यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर होने की बात कही जा रही थी, वो मतगणना के रुझानों के साथ ही खत्म हो गई। जब पता चला कि बीजेपी सपा से बहुत बहुत आगे निकल रही है, हालांकि सपा के पिछले चुनाव के मुकाबले की सीटों में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिला है, लेकिन अभी बीजेपी से टक्कर वाली बात नहीं कही जा सकती। अभी योगी अखिलेश से बहुत बहुत आगे साबित हुए हैं। ऐसे में प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से कुछ सीटें ऐसी भी रही जिन्हें ना अखिलेश भाई और ना ही योगी आदित्यनाथ। प्रदेश में सिर्फ ऐसी 5 सीटें हैं, इसलिए इन सीटों के बारे में चर्चा होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं प्रदेश की वो कौन सी 5 सीटें हैं जिन पर ना अखिलेश का जादू चल पाया और ना ही योगी ही कोई कमाल दिखा पाए। यहाँ तो बाजी कोई और ही मार ले गया। रसड़ा विधानसभा, बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट जहां योगी ने खुद जाकर भी प्रचार किया लेकिन फिर भी सीट नहीं निकाल पाए। 26 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने रसड़ा जाकर प्रचार किया था। रसड़ा के साथ साथ बाकी सीटों पर भी खड़े कैंडिडेट्स को जिताने की उन्होंने अपील की थी, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ा। रसड़ा से अकेले बीएसपी के विधायक हैं। पूरे चुनाव में बीएसपी को सिर्फ यही सीट हासिल हुई है और बीएसपी को ये सीट दिलाने में कामयाब हुए हैं उमाशंकर सिंह को 87,887 मत मिले और उनके प्रतिद्वंदी सुभाषपा प्रत्याशी को 81,304 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बीजेपी उम्मीदवार बब्बन रहे जिन्हें 24,235 मत हासिल हुए। फरेंदा विधानसभा, इस सीट पर बीजेपी का ना जीतना बीजेपी के लिए झटका था क्योंकि यहां एक आध साल से नहीं बल्कि पिछले 15 साल से कमल खिल रहा था, लेकिन इस बार कमल मुरझा गया। 2007 से इस सीट पर बीजेपी ने ना तो कैंडिडेट बदला, इसके बाद जीतने वाली पार्टी भी नहीं बदली, लेकिन 2022 में कांग्रेस ने महाराजगंज की फरेंदा विधानसभा सीट से बाजी मार ली। पिछले 3 बार के विधायक और इस बार के बीजेपी प्रत्याशी बजरंग बहादुर सिंह कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी से हार गए। 2007 में बीजेपी के बजरंग बहादुर सिंह ने बीएसपी से चुनाव लड़े वीरेंद्र चौधरी को हराया था, लेकिन इस बार वीरेंद्र चौधरी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और पिछले 3 बार के बीजेपी विधायक बजरंग बहादुर को मात्र 1,087 वोटों से हरा दिया। वीरेंद्र चौधरी को 84,755 वोट मिले तो वहीं बीजेपी के बजरंग बहादुर सिंह को 83,668 वोट मिले। सपा के शंखलाल मांझी को 16,457 वोट हासिल हुए, वहीं बीएसपी के ईशु चौरसिया को 21,665 वोट मिले। वीरेंद्र इस सीट से जीतने वाले कांग्रेस के इकलौते मेल कैंडिडेट हैं। रामपुर खास विधानसभा, प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट मानो बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर बन गई है। इस पर ना तो मोदी लहर का असर हुआ और ना ही योगी का जादू ही चल पाया। 41 साल से बीजेपी इस सीट को हासिल करने की ताक में है, लेकिन यहां के लोग मानो बीजेपी को मौका ही नहीं देना चाहते। प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा जीती हैं। आराधना ने बीजेपी उम्मीदवार नागेश प्रताप सिंह को 14,306 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। आराधना को 83,852 मत हासिल हुए। बीजेपी उम्मीदवार नागेश प्रताप के खाते में 69,346 वोट गए। नागेश के अलावा कोई भी प्रत्याशी आराधना के आसपास भी नहीं दिखा। इस सीट पर पिछले 41 साल से कांग्रेस का दबदबा कायम है। 1980 से लेकर साल 2012 तक कांग्रेस से प्रमोद तिवारी सीट पर 10 बार विधायक रहे। 2014 में प्रमोद तिवारी राज्यसभा सदस्य बन गए। उपचुनाव हुए तो बेटी आराधना मिश्रा को जीत हासिल हुई। तब से लगातार उन्हीं का राज सीट पर कायम है। प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से जीतने वाली आराधना मिश्रा कांग्रेस की एकमात्र लड़की है, इसलिए इस सीट अपने आप में बेहद खास है। कुंडा विधानसभा, प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट पर इस बार लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प थी। राजा भैया की जीत को लेकर कोई संशय तो नहीं था, लेकिन अखिलेश ने गुलशन यादव को जिताने के लिए जी जान लगा दी थी। गुलशन यादव के पक्ष में खुद वोट मांगने पहुंचे थे अखिलेश यादव। कुंडा को गुलशन कर देने की अपील भी की थी, लेकिन कुंडा के लोगों ने 6 बार के बाद 7वीं बार भी राजा भैया पर ही भरोसा जताया। राजा भैया को ही कुंडा का राजा बनाया। दिलचस्प बात यह है कि इस बार निर्दलीय नहीं लड़े राजा भैया और न ही बीजेपी और सपा में से किसी पार्टी का सपोर्ट हासिल था। इस बार अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से चुनाव लड़े और बिना किसी बड़ी पार्टी के सपोर्ट के विजयी हुए। 24 फरवरी को प्रचार के दौरान अखिलेश ने राजा भैया पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि इस बार यहाँ की जनता कुंडा में कुंडी लगाने का काम करेगी। यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और
ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। कुंडा के लोग हमेशा मंत्री देखते थे, कुंडा के लोगों को हमेशा मंत्री मिलता था। बताओ इस बार मंत्री मिला कि नहीं मिला? रह गए खाली कि नहीं रह गए? और किसी की सरकार हो, सपा की सरकार हो मंत्री, बीजेपी की सरकार हो तो मंत्री, बताओ इस बार छुट्टी हो गई कि नहीं हो गई? अगर छुट्टी वहां से हुई है तो छुट्टी अगर आप कर दोगे तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। इसका जवाब राजा भैया ने कुछ इस अंदाज में दिया था। उन्होंने कहा था, किसी की हैसियत नहीं कि वो कुंडा में कुंडी लगा सके। वोटिंग के आखिरी राउंड तक आते आते सपा प्रत्याशी गुलशन यादव राजा भैया से 30,000 मतों के अंतर से हार गए। बाबागंज विधानसभा, ये सीट ऐसी है जिस पर राजा भैया ही विधायक बनाते आ रहे हैं, वो भी आज से नहीं बल्कि तब से ही जब से वो कुंडा के विधायक रहते आ रहे हैं, यानी कि साल 1993। इस बार भी क्योंकि कुंडा से अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर राजा भैया जीते, ठीक वैसे ही प्रतापगढ़ की बाबागंज सीट पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी विनोद सरोज ने जीत हासिल की। विनोद सरोज को 67,282 मतों से जीत हासिल हुई। वहीं इनसे कमतर रहे सपा के गिरीश चंद्रा जिन्हें 51,515 वोट मिले। वहीं बीजेपी के केशव प्रसाद को 30,391 और बीएसपी के सुशील कुमार को 8,723 मत ही मिले। इस सीट पर 1993 से राजा भैया समर्थित उम्मीदवार ही जीत दर्ज करता आ रहा है। तो ये 5 सीटें ऐसी थी जहां न साइकिल चली और न ही कमल खिला, बल्कि कोई और ही बाजी मार ले गया। चुनाव से जुड़ी कुछ और मुख्य बातें संक्षेप में बताएं तो 2022 के इस चुनाव में बसपा को सिर्फ 1 सीट मिली, जो कि पिछले चुनाव की तुलना में काफी कम है। बीएसपी को 2017 के चुनाव में 19 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई हैं, जबकि 2017 के चुनाव में कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में 47 से बढ़कर 111 सीटें हासिल की हैं, वहीं बीजेपी को 255 सीटें मिली हैं। आप इस चुनाव में बीजेपी की जीत और सपा की हार को कैसे देखते हैं? आपको इस चुनाव से क्या उम्मीदें थी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।